नमस्कार, मैं हूं एम एस आडर और आज जिस कहानी को मैं आपके समक्ष लेकर आई हूं उसका शीर्षक है सनीचर। इस पूरे हफ्ते काम पर आई हो? हाँ भैया। अच्छा है, ये लो 6 दिन के 900 रुपए। और सुनो, अब से 2 महीने ज़्यादा काम रहेगा तो तुम और नरेश दोनों छुट्टी मत करना, कह के मुंशी ने 900 रुपये लीला की ओर बढ़ाए। जी भैया, बोल के लीला ने सिर हिलाया और बाहर आ गई। लीला ने भरसक कोशिश की थी कि वो सामान्य दिखे, पर उसके अंदर की जो खुशी थी, उसके चेहरे का जो भाव था, वो साफ साफ छलक रहा था। हर शनिचर को हफ्ते भर मजदूरी मिलती थी, इसीलिए शनिचर का दिन उसे सबसे अच्छा लगता था। तेज़ कदमों से वो अपने बच्चों के बारे में सोचती हुई घर की ओर बढ़ी, परंतु चेहरे पर मुस्कान अभी भी दौड़ रही थी। जैसे ही वो अपने गली में आई, सबसे पहले घर में रहने वाली विमला और निर्मला दोनों बतिया रही थी। उन्होंने तिरछी निगाहों से लीला को देखा और लीला समझ गई कि सवेरे की बात सब जान गए हैं। आखिर पता भी कैसे ना चले, सुनील सेठ इतना चीख कर चिल्ला कर जो गया था। और गरीबों के नसीब में सिर्फ सादी चीख चिल्लाहट नहीं होती, उस चिल्लाहट में गंदी गालियां भी मिलती हैं। हालांकि वो सब गालियां सुनील ने लीला के पति नरेश को दी थी, पर लीला, उसके बच्चे सब सुन रहे थे। सिर्फ वो ही नहीं, पूरी गली वाले सुन रहे थे। बड़ी मुश्किल से नरेश और लीला ने उसे समझाया कि आज वो उधार के बाकी पैसे 500 रुपये नहीं चुका सकेंगे, लेकिन 4 महीने पहले की बात है। ऐसे ही शनिचर के दिन सवेरे नरेश साइकिल लेके काम पे गया था, पर वापस नशे में धुत होकर आया बिना साइकिल के। अगले दिन लीला ने नरेश से पूछा, पर उसे कुछ भी याद नहीं था। साइकिल कहाँ गई उसे नहीं याद था। लीला और नरेश दोनों ने नरेश के साथियों से पूछताछ की, पर किसी ने ठीक से जवाब नहीं दिया कि साइकिल गई कहाँ। नशे में धुत होकर वो कहीं छोड़ आया, कोई चोरी करके ले गया, या फिर जुए में कहीं हार आया। लगभग हर शनिचर और इतवार को नरेश ऐसे ही नशे में धुत रहता था, और उस समय लीला को शनिचर हफ्ते का सबसे ख़राब दिन लगता। पीना छुड़ाने नरेश को जितना खुद समझा सकती थी, बड़े लोगों से समझवा सकती थी, झगड़ा, गुस्सा, प्यार कर सकती थी, वो सब कुछ कोशिश करके हार चुकी थी। अगर वो ज़्यादा कुछ कहती तो हफ्ते के बाकी दिनों में भी पीना शुरू हो जाता, इसीलिए अब उसे अपना भाग्य समझ वो चुपचाप सब सहन कर लेती थी। और अब तो खुद भी दूसरों को बहाना करके कहती थी कि हफ्ते भर मेहनत करने के बाद आदमी का शरीर थक ही जाता है, और थकान और दर्द मिटाने के लिए आदमी एक दिन भी शराब क्यों न पिए।